वेलकम बैक स्टूडेंट्स, पीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, चैप्टर है हमारा शुक्र, और आज के लेक्चर का टॉपिक है शुक्र और शुक्र नीति सार, सामान्य परिचय। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है, उनमें एक नाम निश्चित रूप से शुक्राचार्य है, जिन्हें शुक्र के नाम से ख्याति प्राप्त है। महाभारत में उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें विलक्षण प्रतिभा संपन्न बताया गया है तथा अमिट प्रज्ञ तथा महायशा आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अनेक अन्य ग्रंथों में भी शुक्राचार्य की नीति की प्रशंसा की गई है। दंडी के दश कुमार चरितम में राजनीति शास्त्रकारों के नामोल्लेख में सर्वप्रथम स्थान शुक्राचार्य को दिया गया है। पहले हम देखते हैं ग्रंथ का नाम। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आचार्य शुक्र द्वारा रचित ग्रंथ शुक्र नीति सार का विशिष्ट स्थान है, जिसे प्रायः शुक्र नीति भी कहा जाता है। स्वयं शुक्राचार्य ने अपने ग्रंथ को नीति सार कहा है। शुक्राचार्य के अनुसार उन्होंने अपने शिष्यों के सामने ब्रह्मा के नीति शास्त्र का सार प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उपलब्ध इस विवरण के आधार पर इस ग्रंथ का नामकरण शुक्र नीति सार ही अधिक मान्य है, अर्थात शुक्र द्वारा प्रस्तुत नीति का सार। अब हम देखते हैं ग्रंथ के आकार के बारे में। शुक्र नीति सार में चाल मूल अध्याय है, और इस ग्रंथ के कुछ अन्य संस्करणों में खिल नीति के रूप में पांचवा अध्याय भी मौजूद है, जो वास्तव में मूल ग्रंथ का भाग नहीं है। इस ग्रंथ के चौथे अध्याय के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ में कुल 2200 श्लोक है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध शुक्र नीति सार के विभिन्न संस्करणों में 2200 से अधिक श्लोक दिखाई देते हैं। इस संबंध में डॉक्टर निर्मला भार्गव के अनुसार प्रकाशित ग्रंथों में भिन्न भिन्न श्लोक संख्या है, अतः स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में समयानुसार बहुत अधिक हेरफेर होता रहा है। ग्रंथ का रचयिता और रचनाकाल। इस ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोकों के अनुसार इस ग्रंथ का रचनाकार ऋषि भृगु का पुत्र तथा असुरों का आचार्य है, जिसे इसी ग्रंथ में अन्यत्र शुक्र एवं काव्य भी कहा गया है। इस विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ के लेखक वास्तव में प्राचीन वैदिक ऋषि शुक्र ही है, किंतु यह विचार इतिहास के ज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संभावना प्रकट की जाती है कि यह ग्रंथ प्राचीन ऋषि शुक्र के स्थान पर अन्य किसी शुक्र नामक विद्वान की रचना हो सकती है। यह शुक्र नामक विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित आचार्य उराना से भी भिन्न व्यक्ति है, क्योंकि उपलब्ध शुक्र नीतिसार की रचना अर्थशास्त्र के बाद के काल की मानी जाती है, यानी कि अपनी विषय वस्तु व विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीतिसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। शुक्र नीतिसार के रचनाकाल के बारे में भी विद्वानों में एकमतता नहीं है, परंतु प्रायः सभी आधुनिक विद्वान इस बारे में सहमत है कि यह वैदिक कालीन रचना नहीं है, अपितु यह ईसाबाद की कृति है। इस संबंध में जो विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं वो इस प्रकार हैं, यह गुप्तकालीन रचना है, यह उत्तर गुप्तकालीन रचना है, यह लगभग 8वीं सदी की रचना है, तथा यह 13वीं सदी अथवा उसके बाद की रचना है,
इस प्रकार के विद्वानों ने मुख्यतः चार विचार प्रकट किए हैं। वस्तुतः संपूर्ण शुक्र नीतिसार ग्रंथ की रचना को एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जाना अधिक उचित है। यह कहना अधिक सही होगा कि इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत उत्तर गुप्त काल में हुई, किंतु उसमें विद्वानों ने 17वीं सदी तक लगातार संशोधन एवं परिवर्धन किया है। इस प्रकार मूल ग्रंथ को उत्तर गुप्त काल की रचना तथा इसके ग्रंथकार को इसी काल का राजशास्त्री कहा जा सकता है, लेकिन यह विचार विश्वसनीय प्रतीत होने के बावजूद निर्विवाद रूप से सही नहीं माना जा सकता है। शुक्र नीति की विषय वस्तु की बात करें तो हम इसके चार अध्याय और 2200 श्लोक हैं ऐसा माना जाता है। प्रथम अध्याय में अन्य विद्याओं की तुलना में नीति शास्त्र की श्रेष्ठता बताई गई है और राजाओं के तीन प्रकारों विभिन्न कर्तव्यों, राजा द्वारा घोषित योग्य कानूनों, राज्य की सुरक्षा एवं दिनचर्या तथा राजधानी नगर के निर्माण के बारे में प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में उत्तराधिकार, युवराज, विभिन्न अधिकारियों तथा विभिन्न प्रकार के लेखों को प्रस्तुत किया गया है। तीसरे अध्याय में साधारण नीतिशास्त्र का विवेचन है, जिसका संबंध राजा और अन्य सभी से है, यानी इसमें प्रजा के सामान्य कल्याण के लिए नीति उपदेश दिया गया है। चतुर्थ अध्याय जो सबसे अधिक लंबा है और जिसे मिश्र अथवा विविध विषय प्रकरण नाम दिया गया है, इस अध्याय को 7 उपभागों में विभाजित किया गया है और विभिन्न उपभागों में विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है, जैसे दंड, अपराध, न्याय प्रशासन, कोष, सैन्य प्रशासन, दुर्ग, राष्ट्र, विभिन्न वर्ण, 32 विद्याएं, 64 कलाएं, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, मूर्ति शिल्प आदि। शुक्र नीतिसार के विभिन्न संस्करणों में पंचम अध्याय खिल नीति के रूप में है, जो मूल ग्रंथ का अंग नहीं है परंतु उसे समझने में सहायक है। इस प्रकार शुक्र नीति में शासन कला से कहीं अधिक विशेष सामग्री है। इसमें सदाचरण और संपूर्ण नैतिकता का विवेचन है। शासन कला तो उसका एक अंग मात्र है, यद्यपि वह सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राज्य और शासन पर लिखे गए ग्रंथों में शुक्र नीति का महत्व अन्य सभी ग्रंथों से बढ़कर है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार सोमदेव सूरी के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में यह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। स्वयं शुक्र ने घोषित किया है कि उसका ग्रंथ राजाओं और दूसरों के हितार्थ लिखा गया है। शुक्र नीति की विषय वस्तु के बारे में शुक्र ने लिखा है, इस नीति सार का जो राजा दिन रात चिंतन करेगा वही राजभार को उठाने में समर्थ होगा। शुक्र नीति के समान दूसरी कोई नीति तीनों लोकों में नहीं है। व्यवहारी मनुष्यों के लिए शुक्र की ही नीति है और सब कुनीति है। शुक्र नीति इस विषय पर बाद में लिखे गए ग्रंथों की तुलना में अपनी मौलिकता लिए हुए है और विभिन्न बातों के संबंध में विचारों की स्वतंत्रता के कारण अन्य ग्रंथों से भिन्न है। हालांकि शुक्र का यह कथन जो है इसमें अभिमान झलकता है, परंतु शुक्र के अभिमान सूचक कथन में कुछ सत्य अवश्य ही है। प्रोफेसर अलतेकर के शब्दों में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से शुक्र नीति बहुत उपयोगी है। अन्य ग्रंथों के समान इसमें भी राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक
विवेचन नहीं किया गया है, परंतु इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सुंदर और सांगोपांग विवरण है वैसा अर्थशास्त्र के बाद किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। न्याय की व्यवस्था का भी इसमें पूरा विवरण है। प्रसंगवश समाजशास्त्र और समाज नीति के प्रश्नों पर भी विशद विचार किया गया है। तो इस प्रकार शुक्र नीति के संबंध में प्रोफेसर अलतेकर ने अपना विचार प्रकट किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्र नीति सार में राज्य और उसकी गतिविधियों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। यह सत्य है कि शुक्र ने राज्य के सैद्धांतिक पक्षों का विस्तार से चित्रण नहीं किया है। यही कारण है कि ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति जैसे प्रसंगों का चित्रण नहीं हुआ है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि शुक्र ने राज्य के अस्तित्व के आधार, राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्यक्षेत्र तथा शासन पर नियंत्रण जैसे सैद्धांतिक पक्षों की बिल्कुल उपेक्षा की है। शुक्र ने इन समस्त प्रश्नों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में शुक्र अकेले ऐसे हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद स्पष्ट किया तथा यह घोषित किया है कि किसी राष्ट्र पर संप्रभु शासक का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। इस प्रकार शुक्र ने राज्य के कार्यों की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतिपादन किया है। सार रूप में कहा जा सकता है कि शुक्र ने एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन को उनका योगदान सदैव अमिट रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।